आपके लिए 12th क्लास का लेसन नंबर 10 आपके लिए लेकर आए हैं। इसका नाम है एल्किल हैलाइड। 56 में से आपके लिए 4 नंबर प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दें और ये आपके सिलेबस में काफ़ी उपयोगी होगा। डेली नोट्स बनाए आप। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है एल्किल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल ग्रुप। सबसे पहले आप ये सीखना पड़ेगा एल्काइल क्या है। इसके लिए आपको लिखना है जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निष्कासित कर दिया जाता है तो शेष बचा समूह एल्किल कहलाता है, इसे मुल्लक भी कहते हैं। When we remove single hydrogen from hydrocarbon series, the remaining group is known as alkyl. The remaining group is known as alkyl. It is also known as radical. पहला जो क्वेश्चन है एल्किल समूह किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निष्कासित करने के पश्चात शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है। व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन सीरीज रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज एल्काइल और रेडिकल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम लिखते समय इल अनुलग्न का उपयोग करते हैं। वी राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप वी यूज YL सफिक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है एल्किल समूह किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है, इसका नाम लिखते समय इल अनुलग्न का उपयोग किया जाना चाहिए। व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन सीरीज द रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज एल्काइल। And when we write the name of alkyl group, we use YL suffix. Clear? Next. For example, methane से आप एक H निकालेंगे तो शेष बचा समूह CH3 हो जाएगा। इसका नेम मैथ प्लस इल बराबर हो जाएगा मैथ। मैथ प्लस इल मैथ। इंग्लिश में बच्चे हैं व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन इट कन्वर्ट इनटू मिथाइल। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। CH3 एक एच निकालेंगे आप। व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन इट कन्वर्ट इनटू C2H5
और सी एस टी सी एस टी, इसे हम कहेंगे एथिल या कहेंगे इथाइल। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन कन्वर्टेड टू मिथाइल, मैथेन से एक एच निकालने के पश्चात बनेगा मैथिल, एथेन से एक एच निकालने के पश्चात बनेगा एथिल, मैथिल और एथिल ये रेडिकल क्या। अब आपके मन बात आ रही सर ये क्या चीज है, यहां जो है इसे कहा जाता है फ्री बैलेंसी, यानी मुक्त संयोजकता। इसमें आप एक्स वाई जेड किसी भी ग्रुप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बन की चार वैलेंसी है, इसमें तीन ऑक्यूपाइड है, सिंगल वैलेंसी फ्री है, इसको फ्री वैलेंसी कहते हैं। दिस डैश डिनोटेड अ फ्री वैलेंसी एंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट डैश इन देयर पोजीशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकेंड टॉपिक आ रहा है हैलाइड क्या, व्हाट डू मीन बाय हैलाइड। हैलाइड है हैलोजन से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ग्रुप नंबर 17, ये आपके आवर्त सारणी का स्तंभ हैलाइड बना हुआ है हैलोजन से। दीज आर नोन एज हैलोजन क्योंकि ये अधिक मात्रा में लवण बनाते हैं, बिकॉज दे मेड मेनी काइंड ऑफ सॉल्ट इज नोन एज हेलो हैलोजन। हेलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स फॉर्मेशन हैलोजन। जब कोई भी हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरीन से बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन से बन जाएगा क्लोराइड। व्हेन क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू क्लोराइड, एज सिमिलर ब्रोमाइड, सिमिलर आयोडाइड। तो जो हैलाइड है वो हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के पश्चात बनाता है। व्हेन हैलोजन एक गेन सिंगल इलेक्ट्रॉन सो इट कन्वर्ट इनटू हैलाइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसलिए एल्किल हैलाइड को कैसे डिनोट किया जाता है, सो डिनोट एल्काइल हैलाइड लाइक दिस आर एन एक्स। R is radical and X is halide। यहाँ R जो है गोलक रहेगा, X जो है वो halide है। फिर आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, alkyl और halide। alkyl means R group, halide means X group। X यहाँ पे fluorine, chlorine, bromine, hydrogen। Where X is denoted fluorine, chlorine, bromine और iodine, R आपको radical को दिखा रहे हैं। ये दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक देखिए। थर्ड टॉपिक जो आ रहा है आपका
टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु के प्रकार। सिंपल है, 11th क्लास सीखा है। कार्बन परमाणु जो है चार प्रकार के होते हैं। वन डिग्री कार्बन, कार्बन एटम इज फोर टाइप। प्राइमरी कार्बन, आप इसे बोल सकते हैं प्राथमिक कार्बन, वन डिग्री कार्बन प्राथमिक, प्राइमरी टू डिग्री बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन को कहते हैं टर्शियरी कार्बन, या इंजीनियर बच्चे बोलेंगे तृतीयक कार्बन, और फोर डिग्री जो कार्बन है इसे कहते हैं चतुष्क कार्बन। वन डिग्री, टू डिग्री सेल्सियस, फोर डिग्री कार्बन है टेट्राहेड्रल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी लिख सकते हो। क्वार्टरनरी कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ऐसा कार्बन जो किनारे पर स्थित हो, दोस्त कार्बन विच इज प्रेजेंट टर्मिनल साइड ऑफ हाइड्रोकार्बन सीरीज। ऐसा कार्बन जो किनारे पर स्थित हो, सेकेंडरी मीन्स जो दो अन्य कार्बन से घिरा हो, दोस्त कार्बन विच इज अटैच विथ अनदर टू कार्बन। टर्शियरी, ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से घिरा हो, दोस्त कार्बन विच इज सराउंडेड बाय अनदर थ्री कार्बन, नोन एज टर्शियरी कार्बन। तीन कार्बन से गिरा हुआ हो, दोस्त कार्बन विच इज सराउंडेड बाय अनदर थ्री कार्बन, और इस साइड मार जाएगा ऐसा कार्बन जो चार कार्बन से गिरा हो, दोस्त कार्बन विच इज सराउंडेड बाय अनदर फोर कार्बन, नोन एज टर्श क्वार्टरनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, चार टाइप के कार्बन सीरीज है आपके पास। और किसी अच्छा फाइव डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं, फाइव डिग्री कार्बन इज नॉट पॉसिबल। इसका एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। देखिएगा ध्यानपूर्वक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। क्वेश्चन आएगा गिव द नंबर ऑफ वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री एंड फोर डिग्री कार्बन। इस कार्बन यौगिक में से वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री और फोर डिग्री कार्बन को आप सेपरेट करें, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपने कहा जो किनारे पर है वन डिग्री, इज ऑल्सो वन डिग्री, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री, सब किनारे पर ही है, ये भी वन डिग्री।
काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वनडी कार्बन हो गया आपके पास 6, प्राइमरी कार्बन 6 है। 2 डिग्री मेंशन करें, दिस कार्बन इज अर्न अनदर 2 कार्बन 2 डिग्री, दिस वाज आल्सो सराउंडेड बट ये भी 2 कार्बन घिरा हुआ है, इसको भी 2 डिग्री कहेंगे। दिस कार्बन इज आल्सो सराउंडेड बाय अनदर 2 कार्बन 2 डिग्री, 2, 1, 2 और 3 2 डिग्री कार्बन कितने हैं आपके पास? 3 है। द्वितीय कार्बन की संख्या इस यौगिक में 1, 2, 3 रहेगी। 3 डी कार्बन करें मेंशन, इसको देखिए आप ध्यानपूर्वक देखें, इसको इधर भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, तो 3 इसको देखें, ऊपर भी कार्बन, इस तरह भी कार्बन, इस तरह का। दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच फ्रॉम अनदर 3 कार्बन, सो इट इज नोन एज टर्शियरी कार्बन, 3D कार्बन 1 एंड 2। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, इस साइड भी कार्बन है, इसके साइड भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय अनदर 4 कार्बन, सो इट इज नोन एज 4D कार्बन नंबर ऑफ 4। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाए हम, इसमें लिखेंगे अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, टर्शियरी हाइड्रोजन कितना है और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, पहले से बना ऑक्यूपाइड है 3, 1, 2, 2 सिंगल है 3, 1, 2, 1, 2, 3, sorry, 1, 1, 2, 2 इसके देखिए 1, 2, 3, 4 चार वैलेंस कंप्लीट है, कोई एच नहीं आएगा, यहाँ आएगा CH3, इस तरफ 1 एंड 2, इधर देखेंगे 3, इसमें देखेंगे 3, यहाँ भी 1। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन मीन्स क्या, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी हाइड्रोजन? ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हो उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। दो हाइड्रोजन विच इज अटैच प्राइमरी कार्बन नॉन प्राइमरी हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन विच इज अटैच सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री, एस मिलर 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पॉसिबल है। काउंट करें 3, 3, 3, 3 और 3 टोटल हो गया आपका 18, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 2 डिग्री कार्बन 3 है, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये, इसका आ जाएगा 6। फिर आएगा 3 डिग्री 1 और 2, 4 डिग्री नॉट पॉसिबल, 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल, सॉरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। याद रखें आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वार्टरनरी, प्राथमिक कार्बन द्वितीयक व चतुष्क, 4 प्रकार के कार्बन है और 3 प्रकार के हाइड्रोजन, क्लियर? आगे चलते हैं हम, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। वन डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 एंड 1 एंड 1, इस वन एक और है 4 डिग्री। ये कार्बन 2 से घिरा हुआ है 2 डिग्री, 4 से घिरा हुआ है 4 डिग्री, 3 से घिरा हुआ है 3 डिग्री, 4 से घिरा हुआ है 4 डिग्री, इजीली कह सकते हैं। कल आप सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा मुल्लर या रेड। नेक्स्ट वीडियो आपका है रेडी का रहेगा, इसलिए आप प्रिपेयर रहें, और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। टाइम वेट लेस करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।